हेलो फ्रेंड, इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय यूजिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हम इसमें ये जैसे कि आपने देखा, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी मेटल के ऊपर दूसरा डिजायर्ड मेटल का लेयर चढ़ाते हैं। और मेटल कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप गोल्ड ले ले, सिल्वर ले ले, कॉपर ले ले, निकल ले ले। और इसको हम करते क्या है, इसमें हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करते हैं इस चीज़ को करने के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, यहाँ पे देखिए एक सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इसमें से कॉपर सल्फेट है। आप देख लीजिए यहाँ पर कॉपर सल्फेट, कॉपर जो कि पॉजिटिव आयन है, इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव आयन, और इसको हम बोलेंगे नेगेटिव आयन। जो सल्फेट है हमारा नेगेटिव आयन है। यहाँ पर देख लीजिए दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। ये पॉजिटिव आयन है और ये हमारा कैथोड नेगेटिव आयन है। इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। जब यहाँ से करंट फ्लो करेगी तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से जो हमारा पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो हमारा नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर कॉपर की एक लेयर जम जाएगी, जिसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम इस्तेमाल करते हैं अपने मेटल पे के ऊपर लेयर चढ़ाने के लिए, ताकि हम इसको रस्ट से बचा सकें और इसकी लाइफ को बना सकें। थैंक यू।